Peter. This is Amit and you are watching Russell Alive. तो कैसे हो यारो, वेलकम बैक टू द रसल अलाइव एंड आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 डेडली मूव्स को लेकर, यानी कि ऐसे मूव जो कि रेसलर्स के कह सकते हो जान भी ले सकते हैं या फिर उनको इतना इंजर्ड कर सकते हैं कि ज़िंदगी में वो कभी भी आगे रेसलिंग ना कर पाएँ। तो बस जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, बाकी तुमको साइड में एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। देखो मुझे नहीं पता उसके साथ कौन सा मूव लगाते हो, लेकिन फाइनली उसका डेड जरूर होना चाहिए, आई मीन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 5 से, और नंबर 5 पे मैंने रखा है केविन ओवंस को। केविन ओवंस का बहुत ही पुराने टाइम में जब वो ROH में फाइट करते थे, यानी कि रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग में जब वो रेसलिंग करते थे, तब उनका एक मूव था जिसका नाम था स्टेबलाइजर। बिल्कुल तुम्हारे घर वाला नहीं बल्कि केविन ओवंस का मूव था, तुम यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि उस टाइम बहुत ही बेकार कैमरा यूज़ किया जाता था। फाइनली उससे चोट आती थी नेक पे, जिससे नेक टूट सकती थी, और फाइनली काफ़ी लोग का केविन ओवंस ने नेक तोड़ा भी है। बस गलीमत यही है कि इस मूव से किसी के अभी तक जान नहीं गई है, इसलिए मैंने फाइनली इसको नंबर 5 पे रखा है। बाकी केविन ओवंस थे नंबर 5 पे। और अब आता है नंबर 4, और नंबर 4 पे मैंने रखा है समोआ जो का मसल बस्टर, जो कि हम सभी जानते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, समोआ जो का ये जो मूव है मसल बस्टर, इससे फाइनली आपको याद होगा टायसन किड का नेक जा चुका है। फाइनली बेचारा अभी तक वापस नहीं आया है टायसन किड, इतना खतरनाक उनको चोट आई है। और फाइनली समोआ जो इसे काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि TNA में यूज़ किया है, ROH में किया है, फाइनली वो NXT में भी कर चुके हैं, और शायद मेन रोस्टर पे उन्होंने एक बार भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन फाइनली इससे एक बंदे की जान भी जा चुकी है, इसलिए फाइनली मैंने इसको नंबर 4 पे रखा है। और साथ ये बहुत ही अच्छे से डिजर्व करता है नंबर 4 को। बाकी नंबर 4 पे थे समोआ जो। और अब आता है फाइनली नंबर 3, और नंबर 3 पे हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है। हम सभी जानते हैं ब्रॉक लेसनर का एक बार ग्लव्स खुल गया तो फाइनली क्या देखने को मिलेगा, कोई ना कोई जरूर माता सेरा वाली बनने वाला है, यानी कि फाइनली मार के लाल कर देते हैं ब्रॉक लेसनर। और ये जो पंचेस होते हैं भाई, इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं, आपको लगता होगा फेक है ब्लेड लगा के ऐसा कुछ होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्रॉक लेसनर के जो पंचेस होते हैं वो बिल्कुल रियल होते हैं, आप सभी जानते हैं ब्रॉक लेसनर UFC फाइटर रह चुके हैं, तो फाइनली ये बहुत ही आम बात है ब्रॉक लेसनर के लिए। और इसका जब भी ब्रॉक लेसनर यूज़ करते हैं तो बहुत ही तगड़ा इफेक्ट होता है रेसलर्स के ऊपर, और अगर इसका कंटिन्यू अगर वार करते रह जाएं ब्रॉक लेसनर तो ऑब्वियसली आदमी कोमा में जा सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। और कोमा में भी चला गया तो एक तरीके से देखो तो कानूनन मर गया, मतलब उसका कोई मतलब तो होता नहीं है कोमा वाले बंदे का, इसलिए फाइनली इसको मैंने नंबर 3 पे रखा है। और ऑब्वियसली नंबर 3 बिल्कुल डिजर्विंग है, बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि नंबर 3 पे होना चाहिए या नहीं। और अब आता है फाइनली नंबर 2, और नंबर 2 पे कोई और नहीं, हमारे एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन है। रैंडी ऑर्टन का भी एक मूव है जिसका नाम है पंट किक, ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते होंगे, जो जो WWE देखता है फाइनली वो तो बहुत अच्छे जानता होगा। पंट किक इतना खतरनाक किक है कि फाइनली कह सकते हो रैंडी ऑर्टन इसे बहुत ही एक ऐसे टाइम पे यूज़ करते हैं जिस पे मतलब कह सकते हैं बहुत ही इसकी ज़रूरत होती है, वरना इसको तो दिखाया भी नहीं जाता टेलीविज़न पे। फाइनली रैंडी ऑर्टन काफ़ी कोशिश तो करते हैं लेकिन कह सकते हो वो दे नहीं पाते या फिर वो देना नहीं चाहते, ऐसा कुछ होता है। लेकिन फाइनली अभी कुछ टाइम पहले रैंडी ऑर्टन ने फिर से शुरू कर दिया था, तब कीथ ली और ड्रू मैकइंटायर, शॉन माइकल और क्रिश्चियन बहुत सारे लोगों को मजा चकाया था रैंडी ऑर्टन ने, और फाइनली अब फिर से एक बार इसे बंद कर दिया गया है। यानी कि कुल मिला के कह सकते हो इससे बंदे बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, काफ़ी लोग तो नहीं लेकिन एक दो बंदे कोमा में जा चुके हैं, और इससे किसी की डेथ नहीं हुई है वैसे, लेकिन खतरनाक तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है। ऑब्वियसली डिजर्विंग है, बाकी आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। और अब आता है फाइनली नंबर 1, और नंबर 1 पे मैंने रखा है चेयर शॉट ऑन द हेड, यानी कि सर पे चेयर मारने वाला मूव, जो कि काफ़ी टाइम से WWE के अंदर यूज़ होता आ रहा है, मतलब अब तो नहीं होता लेकिन फाइनली पहले के टाइम में हर रेसलर इसका यूज़ करता था, या फिर अगर कह लो तुम नो डिस्क्वालिफिकेशन अगर ये मैच हो रहा है तो फाइनली इसका यूज़ हो सकता है। और इसी से काफ़ी बंदों ने मतलब मैच जीता या फिर कह लो लोगों को कोमा में पहुँचाया, ऐसे बहुत सारे WWE रेसलर हैं जो कि कोमा में जा चुके हैं या फिर कह लो बिल्कुल पागल से हो चुके हैं इस मूव के बाद, और काफ़ी लोगों की किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि जो कि अभी कह सकते हो काफ़ी अच्छे हैं इस मूव के खाने के बावजूद। फाइनली इसका काफ़ी लोग यूज़ कर चुके हैं और ये मेरे लिस्ट में सबसे ज़्यादा कह लो खतरनाक मूव है। ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं जो हमारा सर होता है बहुत ही नाजुक होता है या फिर कह लो बहुत ही कह सकते हो स्ट्रेस वो ज़्यादा झेल नहीं सकता, और फाइनली इसमें अगर कोई चेयर शॉट लगाए सर पर तो वो कितना ज़्यादा
खतरनाक कह सकते हो, इसलिए फाइनली इसलिए WWE ने इस चीज़ को बैन कर दिया है। और ये चीज़ हमें आप शायद कभी भी देखने को नहीं मिलती, सर पे तो चेयर कोई नहीं मारता है, भले कहीं पे भी मार ले लेकिन हाँ सर पे तो यूज़ नहीं होता है। तो फाइनली यही थे टॉप 5 कह सकते हो डेडली मूव जो कि बहुत ही खतरनाक है। और नंबर 1 पे मैंने रखा था चेयर शॉट ऑन द हेड। फाइनली आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि नंबर 1 को कौन डिजर्व करता है। और हाँ आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डिमांड भी कर सकते हो वीडियो के लिए, आपको जिस भी टॉपिक पर आगे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट कर दो। फाइनली जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट या फिर लाइक आएगा मैं उस टॉपिक को पिक कर लूँगा और फाइनली आपको उस पे एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो यार बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। साइड में आप लोगों को एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, देखो मुझे नहीं पता उसे चेयर शॉट लगाते हो या फिर क्या लगाते हो, पंचेस कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन उसकी मौत हो जानी चाहिए यानी कि सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर लो, गेम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए, कर देना, बहुत ही छोटी बात है तुम्हारे लिए। बाकी कल मिलते हैं।